इसमें सूखे मेवे और खोपरे के लड्डू बनाए, अनुपमा को पसंद है ना, और ये खाएगी ना तो उसे जल्दी से ताकत भी आ जाएगी। थैंक यू लीला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा के लिए तो इतना सब कुछ कर रही है, उसके लिए पूजा की, ढोल के ताल पर नाची, उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल भी जाए, सच में बहुत अच्छा लगा। लो, मेरा गुस्सा इतना बड़ा थोड़ी है कि अनुपमा की जान खतरे में और मुझे फर्क ही ना पड़े। हाँ मैं हूँ, गुस्सा है उस पर प्यार भी तो है, बस मैं तो चाहती हूँ कि भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये हरदम मेरे पास रहता है। ये मंदराज कब तक आ रहा है? बता के तो गया था कि 2 दिन में आ जाऊंगा, पर जब भी पूछती हूँ कहता है कि काम खत्म नहीं हुआ है। अच्छा चलती हूँ। मैं भी मामी के वेलकम के लिए कुछ लेकर आई हूँ। बापू जी बैठिए ना। ऐसे नहीं है, काम डाउन प्लीज, काम डाउन। आज मम्मी घर आ रही है, फिलहाल उनके वेलकम पर फोकस करते हैं। सागर और मीनू का क्या होगा, उनका भांडा कैसे फोड़ना है, उसके लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है। पापा को आने दो, फिर धमाका होगा। बाय बाय बाय, ख्याल रखिएगा। जी जी बिल्कुल। थैंक यू कान्हा जी, आपने नया जीवन और जीने की वजह दोनों दे दी। लेकिन पापा ये कौन सा नंबर है और आप अपने नंबर से कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप है कहाँ? कितने दिन हो गए आपको घर से गए हुए, आप वापस क्यों नहीं आ रहे हो? हेलो हेलो पापा, पापा पापा आपकी आवाज नहीं, हेलो पापा आपकी आवाज नहीं सुनाई। हेलो क्या हुआ तोशो भाई? अरे आवाज ब्रेक हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ तो बोल रहे थे वो, पता ही अब कॉल लगा रहा हूँ तो लग भी नहीं रहा है। मैंने भी उनको फोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका कॉल लग ही नहीं रहा है, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मम्मी के बारे में भी बता नहीं पाई और इतने सारे मैसेजेस किए लेकिन एक भी मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अपना नंबर ऑफ करके किसी और नए नंबर से क्यों कॉल कर रहे हैं वो। हमें क्यों नहीं बता रहे कि वो कहाँ है? बाकी कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं पापा, या तो वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में या फिर कोई बहुत बड़ा झोल कर रहा है हमारे साथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।